मैरिको के भी नंबर्स आए थे और मैरिको के नंबर्स पर बात करने के लिए नंबर्स के बाद मैरिको के सीएफओ पवन अग्रवाल हमसे बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और एक बार एक्सपोजर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी जो एक कंसर्न एफएमसीजी कंपनीज के लिए कि उनकी रूरल डिमांड कैसे पैन आउट हो रही है और अदरवाइज प्रोडक्ट मिक्स और दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरीज पर भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे जो डोमेस्टिक वैल्यू ग्रोथ दिख रही है मैरिको के लिए, वो दिख रही है 4.9% लगभग वाई ऑन वाई। अभी आप फिलहाल हमें, और ये हालांकि ये लोएस्ट भी है आपके लास्ट 12 क्वार्टर्स की, FY24 के लिए आप हमें कैसे आउटलुक शेयर करना चाहते हैं? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, आपने सही कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव थी, हालांकि हमने वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव 3% दी, बट रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली -6% थी। और उसका रीजन ये है कि हमारे कुछ एक रॉ मटेरियल्स में काफी डिफ्लेशन देखने को मिली। अगर मैं एडिबल ऑयल की बात करूं तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इट्स अप्रोक्सीमेटली 40-45% लोअर, विच वी हैव पास्ड ऑन थ्रू प्राइस कट्स। सो उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ कम दिख रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस अब डिफ्लेशन के बॉटम पे आ गई है और अब यहाँ से और नीचे नहीं जानी चाहिए। देयरफॉर गोइंग अहेड रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी शुड इंप्रूव, व्हाइल वॉल्यूम ग्रोथ विल डेफिनेटली बी बेटर, बट H2 में जाकर के रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली विल मूव इनटू द पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। सो दैट्स द रीजन एज टू व्हाई रेवेन्यू ग्रोथ वाज नेगेटिव इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ 3% पॉजिटिव वॉल्यूम। ठीक है सर, अगर हम रूरल यानी कि ग्रामीण अगर ग्रोथ की बात करें तो शहरी इलाकों के मुकाबले में देखेंगे ग्रोथ सुस्त है और कहीं ना कहीं ये चिंता वाला विषय भी है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। अब यहां से आपको रिकवरी कैसी दिख रही है? क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों की ग्रोथ अब बेहतर होती जाएगी यहां से? अब क्या आंकड़े शेयर करना चाहेंगे आप? कई क्वार्टर के नेगेटिव ग्रोथ के बाद लास्ट क्वार्टर में इट विल हैड मूव्ड इनटू ऑलमोस्ट फ्लैटिश एंड दिस क्वार्टर इट हैज मूव्ड इनटू पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी एंड वी बिलीव यू नो गोइंग अहेड द ग्रेजुअल रिकवरी शुड कंटिन्यू एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। आई थिंक मॉनसून लार्जली आई वुड से हैज बीन डीसेंट सो फार। इफ यू लुक एट इन्फ्लेशन इट इज यू नो सब 5%, गवर्नमेंट ने MSPs बढ़ाई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, सो देयरफॉर वी बिलीव दैट गोइंग अहेड स्लोली एंड स्टेडी शुड रिकवर। अर्बन वॉज डेफिनेटली डूइंग बेटर देन, सो दैट ट्रेंड वी कंटिन्यू टू सी। इसके अलावा आई थिंक अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरीज में ज्यादा स्ट्रेस एज कम्पेयर टू फूड्स। फूड्स हैव बीन डूइंग गुड, इवन फॉर अस फूड्स हैज डिलीवर्ड अबाउट 25% ग्रोथ। So going ahead, we believe it will not be hockey stick recovery, but gradual recovery should definitely play out. ठीक है, gradual recovery दिखेगी, लेकिन अभी भी थोड़े से concern तो दिख रहे हैं, lag तो है बिल्कुल। मिस्टर पवन, थोड़े से आपके इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे, जहां पर ग्रोथ तो दिखी है 9% की वाइन वाई दिखी है कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म पे, लेकिन अब स्ट्रीट ये जानना चाहते हैं ये फिर से मिड टीन लेवल्स पे कब वापस आ सकती है? सो इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। अगर आप पिछले 8-10 क्वार्टर की बात करें तो लगभग हर क्वार्टर में हमने डबल डिजिट ग्रोथ दी, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 क्वार्टर जहां हमने 9% के आसपास ग्रोथ दी। और इसमें भी एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इन सम ऑफ द टेरिटरीज भी ऑल्सो है वेरी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमी, जैसे कि आपने कहा बांग्लादेश में देयर हैज बीन अ शार्प करेंसी डेप्रिसिएशन, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, बट इसके बावजूद हम काफी अच्छी ग्रोथ देते रहे बिकॉज हमारी प्रेजेंस वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग है। वी आर स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर्स इन द कैटेगरीज दैट वी ऑपरेट, सो देयरफॉर वी रिमेन कॉन्फिडेंट कि जहां तक इंटरनेशनल बिजनेस का सवाल है, वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर वेरी हेल्दी ग्रोथ्स, डबल डिजिट कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ इन द नियर एंड मीडियम टर्म। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से यूपीएल को लेकर आएंगे, क्योंकि